हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को पंजाबी पिन्नी बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये काफ़ी हेल्दी भी होती है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। ये आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। तो आइए पंजाबी पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। तो पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में ये 1/4 कप देसी घी डालेंगे। फिर हम इसमें ये 1/2 कप कटे हुए बादाम डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, बादाम का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ये 1/2 कप काजू डालेंगे और इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये हमें ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इन्हें हल्का सा पिंकिश होने तक ही फ्राई करना है। तो यहाँ काजू भी हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये 1/4 कप कॉर्न डालेंगे और इसे भी घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा कॉर्न भी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे भी प्लेट में अलग निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब हम कढ़ाई में ये 1/4 कप खरबूजे के बीज डालेंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह भून लेंगे। तो ये मैंने खरबूजे के बीजों को भी अच्छे से भून लिया है, तो अब हम इन्हें भी एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम कढ़ाई में ये 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। फिर अब हम इसमें ये 1/4 कप देसी घी डालेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार इस तरह चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो आटा भूनते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर आप आटे को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो आटे का कलर तो चेंज हो जाएगा पर आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा और आपकी पिन्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही इसे लगातार इस तरह चलाते रहें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो आपका आटा नीचे से जल सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम ही रखें और इसे लगातार इस तरह चलाते रहें। तो ये मैंने आटे को लगातार इस तरह चलाते हुए भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और साथ ही इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने आटे को एक परात में अलग निकाल लिया है। हमारा आटा भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें ये सारे फ्राई करे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। थोड़े से काजू गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ये 1/4 कप कद्दूकस करा हुआ नारियल डालेंगे। 1 चम्मच सॉल्ट यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसमें सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। और अब हम इसमें ये 2 कप बूर ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा जो मिक्सचर है अभी ड्राई लग रहा है। तो अब हम इसमें ये 1/4 कप घी और ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा पिन्नी का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पिन्नी बना लेते हैं। तो अब हम इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह बाइंड करते हुए गोल करेंगे। तो यह पिन्नी का साइज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा बना सकते हैं। पिन्नी की गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर इस तरह एक काजू लगा देंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने इस तरह एक पिन्नी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम इसी तरह सारी पिन्नियाँ बना लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी गेहूं के आटे की पिन्नी बनकर एकदम तैयार है। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर 3 से 4 महीने तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। ये पिन्नी खाने में जितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, साथ ही इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप रोज़ाना एक पिन्नी खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे। आप भी इन पिन्नी को ज़रूर बनाइएगा, आई एम श्योर ये आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।